can with your head. सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि आप टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जिसने सबसे ज़्यादा वोट आउट सेशन जो है ज्वाइन की, इसकी क्या रीज़न है? आप कह लेंगे कुछ पर्सनल भी था कुछ इसमें politics, और कुछ पॉलिटिक्स भी थी इसमें, और कुछ ये था कि मेरे साथ वो जो प्रॉब्लम हो गया था पैर का, उसकी वजह से मेरे 2-3 टास्क पे आ गए थे, इसी की वजह से भी ये नहीं कि मैं वोट आउट सेशन में यानी कि इतनी देर से देख रहा हूँ मैं. दिस इज़ द थर्ड टाइम कि मैं इधर आया हूँ और मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल यूज्ड टू हो गया, बिल्कुल रिलैक्स हूँ. अब इनके इतनी मरतबा देखने के बाद अब लग रहा है कि जैसे अब मैं नहीं आना दोबारा यहाँ पे. अच्छा उज़मा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट को ये शिकायत है, शिकवा है कि हमारे जो किंग हैं सलमान, वो आपकी आउट ऑफ द वे जाके फेवर करते हैं, तो ये बात सच है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑडियंस देख रही है, उसने मुझे गेम को गेम ही कोई फेवर, मतलब आउट ऑफ वे जाके उसने कभी कोई फेवर नहीं किया आपकी? कभी भी कोई फेवर नहीं किया, उसने मुझे एक ही टास्क में से सेव किया है, वो डांस वाले टास्क में. इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन, शी एग्रीड विद मी व्हाट आई हैड टू से एंड वी आर गोइंग टू सेव उज़्मा. We're gonna save Uzma. All right, Uzma ko hamare power pair ne aaj save kiya hai, and Uzma, you can come back and join your gang. तो वो इशू बन गया, उस पे लोगों ने वो इशू बन गया, पता नहीं क्यों सब समझना शुरू हो गए कि पता नहीं हम लोगों की क्या केमिस्ट्री चल रही है, या पता नहीं क्या हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, या हमारा एक ग्रुप बन गया है शायद उसकी वजह से वो लोग जेलस हो रहे हैं. आई डोंट नो कि क्यों ये लोग ऐसा सोच. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं. ये तो मतलब पर्सनल क्वेश्चन थे. अब मैं उस टास्क की तरफ आता हूँ, जिस टास्क की बेस पे आप तीनों आज यहाँ पर, क्या वजह थी, मतलब आपकी स्ट्रेटजी जो थी वो वीक थी, या आपने प्रॉपर फोकस नहीं किया अपने टास्क पर, क्या रीज़न थी? सर मेरे ख्याल से एक्चुअली होता है असल में इस तरह से कि जब आप फर्स्ट टास्क आपकी बारी होती है ना, बिना आपने एक ही टास्क करना दो डिफरेंट पार्टीज हैं, लेकिन जब आप फर्स्ट में करते हो ना तो सेकंड पर्सन को काफ़ी उससे आप कह लो कि अंदाज़ा हो जाता है कि यार उसे टास्क किस तरह से करना है, एडवांटेज होता है उसे उस चीज़ का. आई मीन पहले हमने अटैम्प्ट तो कर लिया, यानी कि हमने खुद से चाहा कि यार हम वो पहले करते हैं, हमने पहले किया, हमें वो ट्रिक्स नहीं पता थे, हमने यानी कि फर्स्ट टाइम इस तरह से पहले परचेजिंग की, फिर वो हमने सेल करना था यानी कि पल छप जा के सारा. तो एक्चुअली हमारे से कुछ प्रॉब्लम ये भी हुई थी कि हमने सब्जियां ले ली थी कुछ बीच में, वो हमें नहीं लेनी चाहिए थी, वो मेरे कहने पे ली थी, लेकिन वो हमें सस्ती मिल गई थी, हमने कहा चलो शायद हो सकते बेनिफिट मिल गए, और कुछ चीज़ें हमने काफ़ी सस्ती बेच दी थी हमने, जो कि हमें नहीं बेचनी चाहिए थी. हालांकि हमारा काफ़ी टफ कंपटीशन रहा था, आई मीन उन्होंने अगर 4,000 कमाया था तो हमने भी तकरीबन ऑलमोस्ट 3,000 तक पहुँच ही गए थे हम. तो ये था कि अब इट्स अप टू, यानी कि यू कैन से लक, उनकी लक अच्छी थी, उन्होंने जिस तरह से फिर दोबारा से सेल किया, उनका सेल तरीका भी अच्छा था, उन्होंने कहा कि यार इनके जो जिस तरह से हमने किया उन्होंने वैसे ही किया, खुद गेम लेके आप लोग लेकर आए हैं, वो लेकर गए हैं, वो लेकर गए हैं, हम यानी कि लोगों को लेके आ रहे थे वहाँ पे, और वो लोगों के पास जाके वो सेल कर रहे थे, और जो उन्होंने ट्रिक्स यूज़ किए वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, उन्होंने अब आपने लर्न कर लिया कि नेक्स्ट टाइम अगर बेचना होगा तो फिर लेके जाएंगे. हां, लर्न कर ली है, लेकिन चलो लेट्स सी आगे क्या होता है, खुद जाके बेच करें. चले मेरे से रिजल्ट की तरफ आ जाएं कि आप आज कौन दो लोग जो हैं वो शो छोड़ कर जाएंगे. ओके असलान, आपको SMS के थ्रू जो वोट्स आए हैं वो हैं 340, और उज़्मा आपको जो वोट्स आए हैं वो 490, वो भी आपको जो वोट्स आए हैं वो 460. उज़्मा इस वक्त लीड में है 490, 460 और 340, और ईमेल के थ्रू असलान आपको जो वोट्स आए हैं 165, और उज़्मा आपको जो ईमेल के थ्रू वोट्स आए हैं 270, वो भी आपको जो वोट्स आए हैं 377, आप लीड लीजिए इस क्वेश्चन में. वॉइस मेल के थ्रू
आपको जो वोट्स आए हैं अफलान 88, उदमा आपको जो आए हैं 37, वो भी आपको 97, अगेन वो भी लीड में है। पीओ बॉक्स के थ्रू जो वोट्स आए हैं अरसलान आपको 45, उदमा आपको 37 और वो भी आपको 97, आपके टोटल वोट्स 638, अरसलान आपके टोटल वोट्स 638, उदमा के टोटल वोट्स हैं 895 और बॉबी के टोटल वोट्स हैं 1039। बॉबी ये क्या क्या कोई गेम खेली आपने? कोई गेम खेली आपने? दोनों को पीछे छोड़ दिया आपको वोट सबके सबसे ज़्यादा। मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे लोगों को बिठाया मैंने। अच्छा बॉबी उम्मीद थी कि आपको इतने वोट्स आएंगे? नहीं मुझे उम्मीद थी। तो फिर आप ऑडियंस मतलब आपकी फेवर में है इस वक्त? पीपल लाइक मी, पीपल लाइक यू, और उन्हें कुछ डिफरेंट सा चाहिए देखने में, देखने को से कुछ डिफरेंट मतलब लाइक टूटी फ्रूटी वाला कुछ शायद। तुम लोग बच गए थे, मुझे लूटा था। अफसान आप कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से, पार्टिसिपेंट से, कि इस दफ़ा ऑडियंस ने आपका साथ नहीं दिया, कुछ कहना चाहोगे? और स्पेशली मुझे वो चीज़ क्लियर करोगे जिसमें आपका जो क्लोज फ्रेंड था रसीब, उसने आपके अगेंस्ट वोट दिया, उसकी क्या रीज़न थी? मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी। सबसे बड़ी बात, इस गेम का नाम है बियॉन्ड द ग्लैम। तो आपने देखा कि लोगों ने भी देखा कि किस तरह से कि आपके जो लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो आपका साथ किस तरह से एंड टाइम पे छोड़ देते हैं। कैमरा जब सामने आता है या फिर आप ये कह सकते हैं कैमरा आता है सामने तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर वही करते जो उनके दिल करते हैं। वो कोई दोस्ती वगैरह नहीं देखते, कोई कुछ नहीं देखते। दिस इज़ बियॉन्ड द ग्लैम। उज़मा आप कुछ कहना चाहोगी पार्टिसिपेंट से, ऑडियंस से? शो का तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बेस्ट लेसन क्या लर्न किया आपने, क्या सीखा? कि जितने भी मीडिया में लोग हैं सब फेक हैं, आपके मुंह के पीछे कुछ और हैं और आपके सामने कुछ और। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, थैंक यू कि आपने कोऑपरेट किया, हम लोगों को लिया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज, मैं स्टाइलिस्ट नहीं हूँ। कौन गाएगा मेरे साथ? कोई गाए ना? सारे गाएंगे। आप स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करो, सभी गाएंगे, सारे गाएंगे, बाकी हम नवा बन जाएंगे। अच्छा, हमारा तुम गाना। चलो ठीक है, नहीं कोई इधर डिओ नहीं हो रहा। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। अच्छा चलो, एक नेशनल सॉन्ग गाते हैं क्या? ठीक है, हाँ, पाकिस्तान के लिए। हाँ, और आसमां इनके सिवा जाना कहां, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। हाँ, हम सब दोस्त यहाँ बैठे हुए ना, यार यही दोस्त हैं, तो फिर दोस्ती की उधर भी होना चाहिए। किस्मत से जो मिली है सब संग चले।
तुम लोगों का वीक सारा गरम तेरी काफी वीकनेस महसूस हुई weakness या absence काफी देर से देखा नहीं ना मुझे इधर ही हूँ घबरा ना इधर ही हूँ तो यार गाइस हम तो गाना गा रहे थे यार गाना वो ही वाला चलेंगे यार दोस्ती के ऊपर सो वंस अगेन 1 2 3 यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है सब रंग चले चलते रहे हम सदा मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा लेकिन यह है कि ऑपरेट कर किया उन्होंने उसके बाद स्टिचेस वगैरह घर हॉस्पिटल में बैठना लेटे रहना रिकवरी टाइम तो उन्होंने ज़्यादा दिया हुआ था लेकिन मैंने कहा कि हॉस्पिटल में रहने से अच्छा कि मैं आऊँ या तुम लोगों के साथ उठूँ बैठूँ शायद जल्दी बेटर होने हाँ आराम तो कर सकता हूँ लेकिन ये है कि उन्होंने ग्लैम में हमने चेक की आप लोगों की कुकिंग स्किल्स इवन योर बाइंग एंड सेलिंग स्किल्स पर ये टास्क जो अब आप लोगों को दिया जाएगा इसमें हमें आपका वो टैलेंट चेक करना है जो आप लोगों की फील्ड से भी रिलेटेड है यानी हम टेस्ट करेंगे आपकी एक्टिंग एबिलिटीज और इसमें मैं चांस दूंगी लड़कियों को पहले कि वो अपना अपना पे सिलेक्ट करें बिकॉज आप लोग ये टास्क चार पेयर्स की फॉर्म में परफॉर्म करेंगे और लड़कियों के पास ये राइट है कि वो अपना पेयर खुद सिलेक्ट करें सोफिया आई स्टार्ट फ्रॉम यू आई गेस हारिब ओके सोफिया एंड हारिब है ना आई वुड गो फॉर हसीब हसीब एंड हैना हुमा Amar. So I think we are left with Salman and Bobby. I think it's going to be the most exciting pair because शायद किसी को नहीं पता Bobby is a very good actor और बहुत versatile है और अगर मुझे choice मिलती तो मैं Bobby को ही choose करता. अब आप लोग बारी बारी जाकर वो एक सीडी सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के हिस्से में क्या परफॉर्मेंस आती है सोफिया गो एंड गेट योर सीडी है ना Huma?
बॉबी। आप लोगों के पास है हाफ एन आवर जिसमें आप जाकर देखेंगे कि आप लोगों के हिस्से में क्या परफॉर्मेंस आई है, और हाफ एन आवर में आप लोग करेंगे रिहर्स और हम आपको देंगे पूरे गेटअप्स। सो यू हैव गॉट हाफ एन आवर। मैंने शुरू में सलमान को वोट इसलिए नहीं किया क्योंकि शुरू से एक ग्रुपिंग चलती आ रही है और यहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेंट्स का ये ख्याल है कि किंग और क्वीन मिले हुए हैं और उनकी अपनी लॉबीज चल रही हैं और पॉलिटिक्स हो रही हैं, तो मैंने ये सबके दिलों से बात साफ़ करनी थी और ये सबके दिमाग जो है ना क्लियर करने थे कि ऐसी कोई बात नहीं है और मेरा और सलमान के साथ कोई पेयरिंग नहीं है और मेरे कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रही सलमान के साथ, बल्कि मैंने इसीलिए सलमान को वोट नहीं किया। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली किसी ने मेरा नाम नहीं लिया और आई वॉज स्टक विद बॉबी, विच वॉज नॉट अ बैड थिंग बिकॉज मुझे लगता था कि बॉबी में थोड़े बहुत एक्टिंग के स्किल्स होंगे, तो एट द एंड कोई चॉइस नहीं रही, मी एंड बॉबी वर द टू लास्ट मैन स्टैंडिंग, तो इसलिए हम दोनों ने पेयर बनाया। ओए जट्टा एनू चीर के वेख तेनू पता लगेगा कितने नाल वा प्याई। शहर दे विच ते मैनूं हाथ लाण तों परहेज़ करदा सी, पर इत्थे पिंड दी खुली डुली हवा ने इहनूं बेबाक कर दित्ता कि मैनूं अपनी बाहां च ले लिया। सदके जावां मैं इन बाहां तों जिन्हां ने मैनूं पिंड दा प्यार चुकाना सिखाया। तुमको तो अपनी सांसों में छुपाया है और मैं क्या कहूँ, और तुम क्या आपने मुझे कुछ कहा? कैसे हो गए यार? ये मेरा? हाँ तुम्हारे। जालिमों की तरह किसी की जान ली थी और अब बेवकूफों की तरह अपनी जान लोगे? बस सही और भी है। नहीं सही है। तेरी बदबख्ती सिर्फ इतनी है नथा, तू जट्टा सिर्फ ना ही सुने और दी खराक नहीं सुनी। ओए जट्टा एनू चीर के वेख तेनू पता लगेगा किदे नाल तेरा बाप आई। कुलवारी सिद्धी करो ए आगे से बोल के। तू सोचता होना है कि मैं पिंड दा खाना पसंद नहीं करांगी, पर ए खाना ते शहर दे खाने तो भी चंगा है। मुझे कुछ खाना तुसी खाना खाओ ना, ये गैप से क्या होगा से? नहीं नहीं, इसके बाद तूने कहना है कि तुसी खाना खाओ ना, मैं कहूंगा तुसी खाना खाओ ना। पर गया मेरा दिल पर गया। तुमको तो देखने के लिए बेताब हूं, तुम्हें अपनी सांसों में छुपाया है और तुम्हें क्या कहूं। टक टक दी आवाज आया। कैसे मानूं कि आप मेरे बारे में कुछ सोच सुनो?
आगे भी तुम्हारी लाइन है, मेरे सिर्फ एक्सप्रेशन ये देखो ये चेंज है। मैं लेकिन हमने अपना जो किया वो अच्छा किया। सेम ही होता है। डरी भी नहीं है। हाँ तुमने वो अपना करना। वो ही मैं कह रही हूँ। सोच रहा था कि मैं तेरे पिंड का खाना नहीं खा सकता, पर अल्लाह की कसम ऐसा कुछ शायद वो तुझे खाने तुम ज्यादा लगेगी। इस टास्क के जजेस भी आप लोग खुद होंगे। आप सब लोगों के हाथ में एक एक ग्रीन स्कोर कार्ड है और सबकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस पर इंडिविजुअली आप उनको मार्क्स देंगे और दो लीस्ट परफॉर्मिंग पेयर्स जाएंगे डेंजर जोन में। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसकी हर सांस किसी दूसरे के कब्जे में हो। आप अपनी जिंदगी से इतनी जल्दी मायूस हो गए? वाह रब्बा वाह, लता भी दो ते हाथ भी दो ते सिर भी एक, इन्ने वजूद दे विच जुर्रत किवें आ सकदी है। आपको देखने के लिए तो बेताब थी नजरें, तुम्हें अपनी सांसों में बसाया हमने। और तुम क्या आपने मेरा कुछ कहा? बिस्मिल्लाह, मुझे अपनी अखा यकीन नहीं आ रहा। वर्ल्ड की इन्नी बड़ी सुपरस्टार थे वो भी मेरे कार। तुसी बैठे मैं ताड़े से रोटी लेके आया। शहर चे तू मैं छून तो बड़ा परहेज करता रे, तो इस पिंड की खुलियां डुलियां हवावां ने तेनों इन्ना बेबाक कर दिता कि तू मैं अपनी बाहों च ले लिया।